नमस्कार साथियों, डॉक्टर अमित आई सेकेंड वी पर आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं सब लोग? आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आप थंबनेल पर भी देख रहे होंगे कि राजस्थान ज्योग्राफी 2023 का एनालिसिस, यहां से आते हैं क्वेश्चन। जैसे कि मैं बात करूं आरएएस 2023 जो पिछला पेपर था, उसमें जो राजस्थान ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे गए वो कहां से आए। बहुत इजीली हमने सोर्स को ट्रेस किया है कि आपको कम टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन जो है, या फिर आप ज्यादा मार्क्स गेन कर सको, वो वाली स्ट्रेटजी मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। ये स्ट्रेटजी खास करके फ्रेशर के लिए है। इसके अलावा जो राजस्थान से नहीं है, मतलब आउटसाइडर है, उन सब के लिए है कि आप इजीली राजस्थान ज्योग्राफी की बात करूं तो 14 से 15 क्वेश्चन, कुछ इकोनॉमिक सर्वे को मिला के बात करें तो राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चन 16 से 17 हो जाते हैं। मतलब 150 में से 16 क्वेश्चन तो राजस्थान ज्योग्राफी से आते हैं, यानी अच्छा खासा वेटेज है। बहुत इजी है क्योंकि ऑलरेडी आप जो है आउटसाइडर वर्ल्ड ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं, तो आपको सॉइल के बारे में सब कुछ पता है। बस आपको यहाँ पर फैक्ट की जरूरत होती है, उस फैक्ट की जो है वो क्वेश्चन कहां से आते हैं, क्या सोर्सेज रहेंगे, क्या सर राजस्थान जैसे इंडिया की बात करूं तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, तो राजस्थान में आरबीएससी, राजस्थान आरबीएससी में जो है बुक चलती है, उनसे क्वेश्चन आते हैं क्या? बिल्कुल जी आते हैं, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान फॉरेस्ट रिपोर्ट के क्वेश्चन हो गए, इस टाइप के क्वेश्चन भी जो है हम सोर्स को ट्रेस करने वाले हैं। तो बिल्कुल वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी के बारे में बात करें, तो इस एकेडमी पर यहां पर 50,000 से ज्यादा स्टूडेंट जो है यूट्यूब पर जो है सब्सक्राइब कर चुके हैं, टेलीग्राम पर 12,000 से ज्यादा स्टूडेंट है और ऐप पर 25,000 से ज्यादा स्टूडेंट है। एकेडमी ने पिछले 3 हरियाणा पीसीएस में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिए हैं ऑर्गेनिकली। अगर हम बात करें 108 एससीएस ऑफिसर जो है ये एकेडमी बना चुकी है, और एकेडमी ऑफिशियली राजस्थान जो है आरएएस के लिए भी क्लासेस आपके लिए स्टार्ट हो चुकी है, थार क्लासेस जो कि सरप्राइज है, मैं वीडियो के लास्ट में बात करूंगा आपसे। तो अगर बात करें, एकेडमी ने 2024 में 113 में से 51 सिलेक्शन, अगर आप मोटा मोटा बात करें तो 50% सिलेक्शन हो रहे हैं। तो आप राजस्थान वालों के लिए आप बहुत बड़ी खुशखबरी है कि एकेडमी जो है आपके लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेके आ रही है। अगर बात करें, एकेडमी ने झंडे गाड़ दिए 2022 में, बात करें 24 सिलेक्शन में राजस्थान के अलवर से है, ठीक है। राजस्थान वाले ने हरियाणा में झंडे गाड़ दिए। अब बात करेंगे भाई, हरियाणा वाले भी राजस्थान में यानी आरएएस में टॉप करके दिखाएंगे बिल्कुल, और राजस्थान वाले तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे। अगर बात करें, आरएएस का नोटिफिकेशन आ चुका है, 733 पोस्ट है इसमें, आपको स्टेट सर्विसेज और अलाइड सर्विसेज जो है इसके अंदर 346 स्टेट सर्विसेज है, अलाइड सर्विसेज 387 है। हम बात करेंगे राजस्थान भूगोल, यहाँ के सारे मिथ, क्योंकि मिथ ये है कि सर राजस्थान ज्योग्राफी अपडेट हो चुकी है, क्या किया जाए, देखो कुछ नहीं है, ठीक है। इस आयोग में जो है अभी बहुत सारे पेपर हुए, असिस्टेंट प्रोफेसर के हुए हैं, आयोग जो है पिछली ज्योग्राफी, जो पहले की ज्योग्राफी है ओल्ड ज्योग्राफी, उसी पे चल रहा है। बेसिक सी बात करूं तो राजस्थान में जो है पहले 33 जिले थे, वो अब 50 जिले हो चुके हैं, मतलब 50 डिस्ट्रिक्ट बन चुके हैं। पर अभी भी कमेटी बहुत सारी, जैसे रामलोभाया कमेटी ने बोला कि भाई 10 डिवीजन और जो है 50 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल बात करें तो अभी एक और कमेटी जो है आ चुकी है, तो अभी फिलहाल विचार विमर्श चल रहा है, तो आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, न्यू ज्योग्राफी के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है, ठीक है। अपने ओल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएंगे, 2025 में आएंगे तो चलो कोई नहीं, पर 2024 में आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, तो आपका सबसे बड़ा मिथ दूर हो गया है। क्योंकि मैं खुद अगर बात करूं तो आरएएस के 3 मेंस जो है दे चुका हूं, 2023 जो है ये वाला इसमें अपीयर्ड हूं, मतलब अभी रिजल्ट आया नहीं है, तो मुझे बहुत सारा इन चीजों के बारे में और पिछले 5-6 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग का, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। राजस्थान ओल्ड ज्योग्राफी सबसे बड़ा मिथ जो है आपको यहाँ पर दूर हो चुका है। वेटेज की बात मैंने कर ली आपके कि भाई राजस्थान ज्योग्राफी से 14 क्वेश्चन अराउंड 23, 21, 18, मतलब 15 से 16 क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाते हैं, तो बहुत बड़ा वेटेज है। साथ में राजस्थान करंट में भी अगर बात करें तो 30 में से टोटल 150 का पेपर होता है, उसमें से 30 क्वेश्चन तो जो है करंट के आ जाते हैं, उसमें 10 क्वेश्चन राजस्थान जो है राजस्थान के पूछे जाते हैं, उसमें ज्योग्राफी के भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं, राजस्थान ज्योग्राफी का क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, तो मेजर फिजियोग्राफिक रीजन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अलावा राजस्थान का इंट्रोडक्शन भी है, परिचय पढ़ते हैं भाई राजस्थान की उत्पत्ति कहां से हुई, ठीक है। राजस्थान का जो है अक्षांशीय विस्तार, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या है, बाउंड्रीज, ठीक है, उन सब के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। हमारी थार क्लासेस के थ्रू जो है राजस्थान
पूरा जीके आपका कंप्लीट होने वाला है, आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसके अलावा क्लाइमेट वाला टॉपिक है, मेजर रिवर लेक है जिसे आप नेचुरल वेजिटेशन, सॉइल है, मेजर क्रॉप्स है। क्रॉप्स में देखोगे तो बिल्कुल सिलेबस डिफाइन कर रखा है कि वीट पढ़ना है, मेज पढ़ना है, बार्ले पढ़ना है, कॉटन पढ़ना है, शुगर कैन पढ़ना है, बाजरा पढ़ना है। लेकिन ये जो एग्रीकल्चर वाला टॉपिक है ये राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे से ही क्वेश्चन आते हैं, तो कई बार ऐसे कॉन्ट्राडिक्ट भी होता है कि भाई राजस्थान ज्योग्राफी का क्वेश्चन है या राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे का, वो फिर मास्टर पे डिपेंड करता है कि मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ मैं बताऊंगा मेरे यहाँ से है, ठीक है। इस टाइप के मेजर इंडस्ट्रीज है, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट है, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक है, पॉपुलेशन वाले अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ग्रोथ डेंसिटी लिटरेसी सेक्स रेशियो, मेजर ट्राइब हो गया, मिनरल्स में मेटालिक नॉन मेटालिक, पावर रिसोर्सेज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, बायोडाइवर्सिटी इट्स कंजर्वेशन, और टूरिज्म वाला टॉपिक। टूरिज्म वाला टॉपिक हिस्ट्री में भी आता है, इसमें भी मानते हैं। बाकी अगर मैं बात करूं तो मेंस के अंदर सबसे बड़ा आउटसाइडर को ये फायदा होता है कि 800 का पेपर होता है, चार पेपर होते हैं 1, 2, 3, 4, 200-200 मार्क्स के, तो इसमें से मुश्किल से 100 मार्क्स की जो है राजस्थान जीके पूछी जाती है, तो आराम से आपका सिलेक्शन हो सकता है। उसमें भी बात करूं तो राजस्थान हिस्ट्री से मात्र 12 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इस बार तो 10 मार्क्स का एक सूर्य मंदिर वाला क्वेश्चन था, पर इतना ही होते हैं 12 से 15। ज्योग्राफी की बात करूं तो आप प्रीलिम्स वैसे भी इसमें पास करने वाले हो, तो राजस्थान ज्योग्राफी के फैक्ट ही आते हैं, पिछली बार भी ऐसे क्वेश्चन फैक्ट वाले थे, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी जो है आपका अच्छा खासा पोर्शन लेके जाती है, 35 मार्क्स के राजस्थान ज्योग्राफी के मेंस के क्वेश्चन रहते हैं, तो इसके बारे में भी मैं आपका डाउट जो है दूर कर चुका हूँ, ठीक है। राजस्थान राजस्थान जो है ज्योग्राफी की बुक एंड रिसोर्सेज के बारे में बात करें तो बहुत आसान है, जैसे अभी हमने जो सोर्स ट्रेस किए हैं वो आरबीएससी की जो ओल्ड बुक है उनके सोर्स ट्रेस किए हैं। सर ये बुक कहाँ मिलने वाली है, तो ये जो है हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, वहां से आपको इजीली मिल जाएगा। तो ये आपको जो है अमित आईएएस एकेडमी, डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी जो है यहाँ पे आपको जुड़ना है, यहाँ से आपको वो सोर्स मिल जाएगा बहुत इजीली। मैंने बोला ना आपको ओल्ड ज्योग्राफी पढ़नी है, न्यू ज्योग्राफी में छोटा मोटा अपडेट जो भी होगा वो हम बताने के लिए तैयार है आपको, डोंट वरी, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। इंफॉर्मेशन ये इसके बारे में मैं दूर कर चुका हूं। दूसरा, राजस्थान की स्पेशल क्लास, आपकी थार सीरीज तो आपके लिए स्टार्ट हो चुकी है, जिसके अंदर राजस्थान पॉलिटी चलेगी आपके लिए, बाकी सारी क्लासेज हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इंडियन वाली, ठीक है, साइंस टैग सारी क्लासेज आपके लिए स्टार्ट हो चुकी है 11 तारीख से, ठीक है, 11 अक्टूबर। बाकी राजस्थान स्पेशल क्लास भी रहेगी जो एमसीक्यू के थ्रू सॉल्व करवाई जाएगी। सोर्सेज ये रहने वाले हैं कक्षा 9th, ये ओल्ड बुक है, ठीक है, ओल्ड बुक है जिसके अंदर बहुत अच्छे टॉपिक है, जैसे देखो राजस्थान का भौतिक पर्यावरण, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे जो मैं आपको सोर्स ट्रेस करने वाला हूँ, तो ये आपको 9th, 10th, 11th, 12th ये फॉलो करनी है। अब हम धीरे धीरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर राजस्थान का न्यू मैप, हाँ बिल्कुल, न्यू मैप के बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना है कि भाई किस जगह क्या है, डी कहाँ पर है जो है, खैरतल कहाँ पे है, ठीक है, कौन सा जो है लैंड लॉक्ड है मतलब स्थलबद्ध जिला है, कौन सा नहीं है, ये छोटा सा एक परिचय है जो अपने रेवेन्यू बोर्ड राजस्व बोर्ड है वहां पे जो है आपको मिल जाएगा, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी एक बुक आती है हरिमोहन सक्सेना, वो आप फॉलो कर सकते हो, ये बुक आपको दिख रही होगी डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना। जैसे पॉलिटी की वीडियो हम डिस्कस कर चुके हैं कि पिछले पॉलिटी के क्वेश्चन कहाँ से आए, वो भी आपको जो है चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना जो है राजस्थान का भूगोल, ये आप ले सकते हैं। देखो मोटी मोटी बात ये करूं तो सबसे बड़ी सिलेक्शन की जो खास बात वो ये है लिमिटेड रिसोर्सेज, एक बुक बार बार रिवीजन। इसके अलावा आपको एक बार सिलेबस देख लेना है, प्रीवियस ईयर पेपर देख लेना है, ठीक है, कौन से क्वेश्चन कहां से आए, और कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं सीधे सीधे, बहुत इजीली जो है आप सॉल्व कर सकते हो। अब हम धीरे धीरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आरएएस 2023 का पहला क्वेश्चन ये था। ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो मेजर जो है फिजियोग्राफी से पूछा गया है, खासकर राजस्थान के चार भौतिक प्रदेश है वहां पर अरावली से ये क्वेश्चन पूछा गया है, पर ये क्वेश्चन डिलीट हो गया क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी गड़बड़ थी, ये संतूर कटड़ा इनमें थोड़ी सी जो है जो बताना चाहिए था वो बता नहीं पाया, बोर्ड आयोग बता नहीं पाया, ठीक है, मनोहरपुरा तो ये करेक्शन इसमें जो है सही से नहीं हो पाया इसलिए वो डिलीट कर दिया, ठीक है। तो ये राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इनकी आंसर की आप वेबसाइट पे जाओगे तो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है डिलीट हो चुका है, पर बहुत आसान है, मैच द फॉलोइंग, मतलब ज्योग्राफी का ट्रेंड आप देखोगे ना तो क्वेश्चन आते हैं मैच द फॉलोइंग, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको मैच करवा दिया, ठीक है,
इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और थोड़े कॉन्सेप्ट वाले भी क्वेश्चन बनते हैं। अब ये क्वेश्चन कहां से आया है, तो ये भाग एक इन कक्षा नाइन्थ की बुक, देख रहे हो ओल्ड आरबीएससी की नाइन्थ की बुक से ये सीधा सीधा क्वेश्चन दे रखा है। इसमें आप देखोगे दक्षिणी अरावली प्रदेश में क्या क्या आता है, उत्तरी अरावली प्रदेश में क्या क्या आता है, और ये देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन आराम से मिल सकता है कि भाई आपको जो है मैथ्स द फॉलोइंग करवाए तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट आर करेक्टली अरेंज्ड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर एज पर द अमाउंट ऑफ मानसून रेनफॉल दे रिसीव। ठीक है, ये अपने क्लाइमेट से क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सोर्स भी बहुत इजीली जो है ट्रेस किया है, ये भी जो सोर्स है आपको ओल्ड आरबीएससी की बुक में, मतलब कुछ है ही नहीं। अगर आप हरिमोहन सक्सेना पास में रखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं रखते हैं तो आपको मैंने आपको बता दिया कि भाई आपको जो है ये ओल्ड आरबीएससी की जो बुक है ये हमारे ऐप पर भी मिल जाएगी आपको और टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी, तो आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे तो सीधा सीधा ये अपडेट दे रखा है, तो यहां से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और ये देखो भाग एक कक्षा नाइन्थ की बुक है, सारे सोर्स ट्रेस करिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैप दे रखा है वहां पर और इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन बहुत आसान पूछा, निम्नलिखित में से किन तीन नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है, विच थ्री रिवर ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म त्रिवेणी संगम। ठीक है, तो ये सबको पता है बनास। ठीक है, तो ये भी देख लो कक्षा नाइन्थ, मतलब पिछले तीन क्वेश्चन जो अभी तक 2023 के हमने डिस्कस किए हैं वो क्वेश्चन नाइन्थ की बुक से पूछे गए हैं। और स्टूडेंट क्या करता है, बड़ी बड़ी बुकें पढ़ता है। ठीक है, कई ऑथर तो ऐसे ही बुक निकाल देते हैं, उनकी बुक को पढ़ता है। ठीक है, मतलब आप अगर आयोग भाई उनको नहीं कॉपी करेगा, आयोग जो कॉपी करेगा वो आरबीएससी की बुक हो गई या फिर कुछ ऑथेंटिक सोर्स हो गए उनको कॉपी करेगा, यही सिलेक्शन नहीं होने का कारण है। पिछली बार कई लोग 2023 में 99 के आसपास रह गए थे। ठीक है, तो सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि कट ऑफ 100 गई थी, इस बार भी कट ऑफ के जाने के ज्यादा आसार है। ठीक है, पिछली बार में ये हुआ था कि इंडिया वाले क्वेश्चन टफ पूछ लिए, मैथ रीजनिंग टफ दे दी और राजस्थान जो है जीके इजी दे दिया, उससे कट ऑफ बढ़ गई। ठीक है, तो घबराना नहीं है, मतलब लिमिटेड सोर्स रखो, मैक्सिमम रिविजन यही होना चाहिए। तो मेरा सलाह जो ये रहेगी कि पहले ये बुक पढ़नी है और हम इसी बुक से ही जो है कवर करेंगे। ठीक है, आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो सीधा दे रखा, बनास नदी को वन किया सा, इसकी प्रमुख सहायक नदियां बेड़स, कोठारी, खारी, मैनाल। बाहर वाले कई स्टूडेंट को दिक्कत होती है, राजस्थान हिस्ट्री बड़ी है, राजस्थान हिस्ट्री कुछ भी नहीं है, नाइन्थ और टेंथ की बुक है, आराम से सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है, अगला देखो, माई बजाज सागर परियोजना, हम इतनी सारी परियोजनाएं पढ़ते हैं, क्वेश्चन बहुत आसान पूछा है, माई बजाज सागर, मतलब नींद में ही उठते उठते कोई पेपर देने जाएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आ जाएगा, तो कट ऑफ तो जानी थी। तो द माई बजाज सागर प्रोजेक्ट इज ए जॉइंट वेंचर ऑफ राजस्थान, पंजाब एंड गुजरात। आप सबको आंसर भी ध्यान में रखने, जिनको आंसर पता नहीं है ठीक है वो थार क्लास के अंदर जुड़ेंगे, थार क्लासेस के अंदर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अब 11 अक्टूबर से आपकी क्लास स्टार्ट हुई है, उसमें थार क्लास के अंदर 11 अक्टूबर को जो पहली क्लास हुई है उसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 10 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया वो जो है आपको जो है बताए जा रहे हैं, फिर उसके बाद मेंस का और फिर उसके बाद में टू द टॉपिक और लास्ट में क्वेश्चन रहेंगे एमसीक्यू, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। आपके लिए सुंदर मौका है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये देखो कक्षा 12 की बुक है, भाग 4 है, भाई आपके सामने सीधा सीधा प्रूफ दे रखा है कि ये क्वेश्चन आया कहां से है। ठीक है, तो अब आप खुद बताओ कि आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। कई बार स्टूडेंट के मैसेज आते हैं, इस फील्ड में मुझे 5 से 6 साल हो गए पढ़ाते हुए, स्टूडेंट सेटिस्फाई है ही नहीं बुक से, भाई होना पड़ेगा। ठीक है, और आपको यहां से ऑप्शन तो पता करना है, ठीक है 4 में से 1 पता करना है, तो उसमें आप एलिमिनेट वाली टेक्निक आराम से लगा सकते हो। ये देखो ये सीधा दे रखा, राजस्थान गुजरात की मिली जुली परियोजना है माई बजाज सागर, और हम पता नहीं इस माई बजाज सागर के अंदर इतना डीप जाते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अगला देखो, निम्नलिखित में से वर्ष 2001 से 11 के मध्य न्यूनतम दशकीय, यानी सुजदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान विच हैड द लोवेस्ट डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन वाला टॉपिक बहुत इजी है, हम इसको अच्छे से एकदम ट्रिक के थ्रू पढ़ेंगे, बहुत इजी है, कुछ करना नहीं है। ठीक है, 4-4 5-5 डिस्ट्रिक्ट जो है आपको थोड़े से ध्यान रखने डिकेडल में, ये तो बेचारा बोर्ड एक पूछ रहा है, सबको पता है कि भाई सबसे ज्यादा जो है बाड़मेर की है 32 के आसपास, श्री गंगानगर की 10% के आसपास है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। अब ये कहां से आया, ये लो
अगर सोर्स में भाग तीन कक्षा 11 की बुक है, कक्षा 11 में ज्योग्राफी के एक दो टॉपिक ही, सारे नहीं है, मतलब कक्षा, ये जो कक्षा 9th की जो ओल्ड आरबीएससी है इसमें ये है कि कुछ ज्योग्राफी दे रखी है, कुछ हिस्ट्री दे रखी है, कुछ पॉलिटी, पॉलिटी तो बहुत नहीं है, पॉलिटी के बारे में सोर्स मैंने बता दिया डॉक्टर जनक सिंह मीणा और कमीशन की हर वेबसाइट पे जाके हमें नोट्स बनाने, बहुत आसान है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाओगे 10 मिनट के अंदर नोट्स बन जाएंगे, ठीक है। तो कक्षा 11 के भाग 3 में ये बुक दे रखी है, ठीक है। यहां पे आप देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको मिल चुका है, ये रहा, गंगानगर जिले 10.06% सबसे कम है, सीधा सीधा दे रखा है डिकेडल ग्रोथ रेट। अगले क्वेश्चन को हम देखा जाए, राजस्थान में काला खूंटा, लीलवानी, नारदिया और तिम्मा मोरी किस खनिज के उत्पादक क्षेत्र है, मिनरल से पूछा गया है, मिनरल का हमने जो है प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन मतलब मिनरल से तो पूछे ही जाते हैं, मिनरल से यहां तक ही मेंस में भी 10-10 नंबर के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। सीधी सी बात है, आपको ये है कि जो दे रखा है सिलेबस में, जैसे इंडियन ज्योग्राफी में देखोगे तो 4 मिनरल्स ही दे रखे हैं, बॉक्साइट हो गया, ठीक है, इस तरीके से, तो हमें भी यही ध्यान रखना है, जो सिलेबस में दे रखा है उसी को पढ़ना है, घबराना नहीं है बिल्कुल, ठीक है। आप देखोगे कि काला खूंटा, लीलवानी, नारदिया आर प्रोड्यूसिंग रीजन ऑफ विच मिनरल इन राजस्थान, ये बुक जो आपके सामने दे रखी है वो है कक्षा 11, इससे ज्यादा क्या सोर्स होंगे आपके पास बताओ, और कक्षा 11 कोई बड़ी बुक नहीं है, 20 पेज है जिसके अंदर ज्योग्राफी का ये टॉपिक दे रखा है, ठीक है, जिसके अंदर आप देख रहे हो कक्षा 9 से 2 से 3 क्वेश्चन, कक्षा 12 से 2 तीन क्वेश्चन, 10th से 2 से 3 क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं, एक दिन की ज्योग्राफी है, ठीक है। और अगर आप आउटसाइडर है और राजस्थान ज्योग्राफी से डर रहे हैं, ज्योग्राफी का पूरे राजस्थान जीके का सिलेबस 70 घंटे का नहीं है, अगर आप आराम से पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं है, राजस्थान पॉलिटी इतनी आसान है और इतना हमने आसान बनाया है इसको कुछ ट्रिक्स के थ्रू, बहुत सारी चीजें, गवर्नर को कैसे याद करना है, एक्टिंग कौन से रहे, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे जो है क्लास के अंदर। ये देखो कक्षा 11th का, ठीक है, ये सीधा सीधा दे रखा है, इससे ज्यादा क्या करोगे यार, लीलवानी, ये रहा सिवोनिया, तलवाड़ा, काला खूंटा, एक का ही पता हो तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, एग्जामिनर हिंट दे रहा है, फिर भी स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं है ना सर, ठीक है, मैं तो ई बुक ऊपर दू, ठीक है, बस तो यही है सिलेक्शन नहीं होने का कारण, कोशिश ये है इनको आप अच्छे से कर लो, और जहां आपकी जो है स्ट्रांग है उसको स्ट्रांग करना, वीक है उसको भी तो स्ट्रांग करो, ठीक है। आप इसमें यही करते हैं कि भाई मिनरल्स के अंदर इतना घुस जाते हैं और ऊपर से क्वेश्चन ये पूछा, धोखा हो गया, इससे अच्छा कोई फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ के जाते, करंट को थोड़ा अच्छे से कर लेते, भाई पूरी ज्योग्राफी आप अगर इन बुकों से पढ़ोगे तो करंट आप कब पढ़ोगे, समय भी कम है, टाइम भी कम है, ठीक है। अगला देखो, काली सिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन, यानी काली सिंध सुपर थर्मल पावर प्लांट स्टेशन इज लोकेटेड एट, बहुत आसान है, झालावाड़, सबको पता है, ठीक है। अगर आप देखोगे ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन देखो, भाग 3 राजस्थान अध्ययन, मतलब 11वीं की बुक है, 11वीं की बुक के अंदर बहुत सारी चीजें दे रखी है, और ये रहा क्वेश्चन ये, ठीक है, झालावाड़ में काली सिंध नदी पर 600 मेगावाट की 2 इकाइयां, बाकी ये इकोनॉमिक सर्वे का भी क्वेश्चन है, इकोनॉमिक सर्वे का 4 या 5th नंबर चैप्टर, जो फर्स्ट चैप्टर तो जो है बेसिक इंट्रो हो गया, सेकंड में एग्रीकल्चर वाला हो गया, थर्ड में जो है रूरल डेवलपमेंट हो गया, फोर्थ में इंडस्ट्री, फिफ्थ में इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वहां से क्वेश्चन सीधा सीधा आया, वहां से भी आप देख सकते हो। देखो अब ये क्वेश्चन पूछा है शेरगढ़ वाला, मतलब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और डिस्ट्रिक्ट ये मिलान कर दिए, फेवरेट क्वेश्चन है इस बोर्ड का, इस आयोग का जो है ये फेवरेट क्वेश्चन है, इसको आप देखोगे, ये बुक भी देखो कौन सी बुक है, ये रही 10वीं की, आसान हो गया ना, कुछ है ही नहीं, ठीक है, मतलब आरबीएससी, ओल्ड आरबीएससी को फॉलो करना है, न्यू ज्योग्राफी में जो भी अपडेशन होगी वो बिल्कुल आपको जल्दी इस चैनल पे मिल जाएगी, घबराना है ही नहीं, बहुत आसान है, आप आराम से, अगर आप ऑप्शनल की प्रिपरेशन कर सकते हो तो अभी आपके पास मौका है, ठीक है। अगर किसी बोर्ड में एससीएच जो है यहाँ पर अभी वैकेंसी नहीं आई है तो राजस्थान में कूद पड़ो, मेंस का अच्छे से दो, ठीक है, खासकर इंग्लिश मीडियम वालों को तो बहुत ज्यादा फायदा है इसमें, हिंदी मीडियम वालों को भी है, पर इंग्लिश मीडियम में राजस्थान वाले कम देते हैं, तो वहां से तो बहुत ज्यादा इजीली सिलेक्शन है, क्योंकि मेंस में राजस्थान आता ही नहीं है, 800 में से 100 मार्क्स का राजस्थान आता है, इंटरव्यू तो बाद की बात है, मेंस में अच्छे मार्क्स लेके आगे तो कौन हटाएगा आपको, ऐसे कई एग्जाम्पल है जिसमें हरियाणा में कई ऐसे बंदे जिन्होंने मेंस में इतने मार्क्स लेके आए, उनका हो गया इंटरव्यू, भले ही मत दो, इंटरव्यू में भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मिथ है। अगला देखो,
अब इन क्वेश्चन के बारे में थोड़े अपने सोर्सेज जो है अलग रहते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि माई कंसर्न और आरसीबी 911। देखो जब हम बात करते हैं अगर पूर्वी मैदान ईस्टर्न प्लेन की बात करते हैं तो हम सीधा वहां यही बताते हैं, ठीक है, कि भाई मक्का सबसे ज्यादा यहाँ होता है, माई कंसर्न, माई धवल और माई सुगंधा, वो चावल राइस, ठीक है। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन तो आराम से हो सकता है, मक्का 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 किया तो एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, बाजरा हटा दिया, ठीक है, ये आरसीबी, ये बाकी चीजें आपको कहां मिलेगी, तो आपको जाना है राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट रारी, रारी का जो हेडक्वार्टर है वो है जयपुर में, जयपुर में एक जगह दुर्गापुरा वहां पे, ठीक है। ये राजस्थान स्टेट मिनिस्ट्रियल जो बोर्ड है आरएसएमएसएसबी आरपीएससी के अलावा वो बोर्ड भी वही है, ठीक है, तो उसके आसपास में ये बोर्ड है, यहाँ से ये हाइब्रिड वेराइटी के कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बार इकोनॉमिक सर्वे में भी आपने देखा होगा कि सरकार जो है ये हाइब्रिड जो वेराइटी है इनको ज्यादा मतलब प्रमोट कर रही है, क्योंकि इससे जो है सरकार मान लो इन किसानों पर अगर मान लो एक रुपया खर्च करती है तो उसके बदले में रिटर्न जो है 10 रुपए मिलता है, ठीक है, और बाकी सब्सिडी वगैरह इसमें सरकार घाटे में जाती है। तो क्यों ना अलग अलग प्रकार की वेराइटी जो है हाइब्रिड वेराइटी, जिससे प्रोडक्टिविटी जो है इंक्रीज होगी, इसलिए, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे सीधा देखोगे आरएचबी 2121, ये सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है, ये अलग अलग टाइप की। अगला क्वेश्चन देखो, चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग स्थापित हुआ, एक क्वेश्चन फिक्स आता है, प्रथम चीनी उद्योग, प्रथम सीमेंट उद्योग इंडस्ट्री कहाँ एस्टेब्लिश हुई, ठीक है, ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। इस क्वेश्चन को आप देखोगे, ये द फर्स्ट सुगर इंडस्ट्री बेस्ड ऑन बीट रूट वॉज एस्टेब्लिश एट, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो ये दे रखा भाग एक यानी कक्षा 9th की बुक में। मतलब अभी तक जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं वो ओल्ड आरबीएसई से आए हैं, ठीक है, अगली बार भी आएंगे, आपको ये सोर्स तो फॉलो करना ही है, मस्ट है, ये मस्ट है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये राजस्थान में चीनी की 3 मिले हैं, राज्य में सर्वप्रथम 1932 में मेवाड़ चीनी मिल, भोपाल सागर, चित्तौड़गढ़। अब आप देखो ये रहा भोपाल सागर, कोई दिक्कत ही नहीं, मान लो अगर इसमें ऑप्शन होता चित्तौड़गढ़ तो क्या करते, तो भी भोपाल सागर, क्योंकि चित्तौड़गढ़ तो बड़ा है, लोकेशन जो मेन भोपाल सागर है, तो वो ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र, इस क्वेश्चन को जब मैं देख रहा था और ओल्ड आरबीएससी को जब मैं देख रहा था, एक ही पेज से, मतलब एक पेज होता है, एक पेज में जो हाफ पेज होता है उसमें 2 क्वेश्चन आ गए, ठीक है, बहुत इजीली। तो ये देखो, ये तो सिंपल सी बात है, रिसर्च सेंटर है, इनसे गवर्नमेंट हर बार, जैसे जोड़ भीड़ गढ़वाल वाला हो गया, या तबीजी जो है बीजीए मसाला जो है डुबड़ा अजमेर हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन फेमस है, पूछे जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल इज लोकेटेड, तो आप मरु क्षेत्र देखोगे, और यहाँ पे जब आप हम बात करें यहाँ पे तो भाग 3 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, किसमें पूछा गया है, भाग 3, मतलब भाग 3 कौन सा, भाग 1 9th, भाग 2 10, भाग 3 11, 11वीं की बुक में दे रखा है, ठीक है, 11वीं की बुक में ये दे रखा है, 11वीं की बुक में ये दे रखा है। तो देखो बीकानेर, ये सीधा सीधा दे रखा है यहाँ पे ऊंट अनुसंधान केंद्र, ठीक है। अगला देखो, ये क्वेश्चन जो है क्रोनोलॉजी से पूछा गया है, अगली क्लास आपकी यही होने वाली है कि राजस्थान में जो है आरएस 2023 में करंट अफेयर के क्वेश्चन कहां से आए, वो एक ही सोर्स है, राजस्थान क्रोनोलॉजी। राजस्थान क्रोनोलॉजी को भी हम थार के इनिशिएटिव के थ्रू जो है आपको करवाने वाले हैं, मतलब आपके वीक में एक दिन जो है क्रोनोलॉजी की क्लास रहेगी, 6 टीचर मिलकर सारी जो है एक मंथ की क्रोनोलॉजी को कंप्लीट करवा देंगे आपको, हर सेक्शन, जैसे इंटरनेशनल जो अफेयर हो गया, इसके अलावा जो है नेशनल करंट अफेयर हो गया, स्टेट करंट अफेयर हो गया, साइंस टेक का हो गया, वो सारे कवर होने वाले। तो ये क्वेश्चन था कि भाई द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हैज बीन अकॉर्डेड विद द 5th टाइगर रिजर्व इन राजस्थान, तो राजस्थान में कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कितने टाइगर रिजर्व है, ये क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, बायोलॉजिकल पार्क कितने हैं, मैच द फॉलोइंग। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि राजस्थान की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है, कुछ नहीं करना है, राजस्थान के जो है एनवायरमेंट जो है वहां पर आपको जाना है, और उस साइड पर जो है आपको राजस्थान की लेटेस्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट मिल जाएगी। इस फॉरेस्ट रिपोर्ट को जब आप देखोगे, और जब मैंने इसको देखा, इस वर्ष धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व नोटिफिकेशन जारी की गई, ये राज्य का जो है 5th टाइगर रिजर्व है, इंट्रो में ही दे रखा है, तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है।
कि भाई मिनरल वाले टॉपिक हो गए, मिनरल वाले में अगर लेटेस्ट थोड़ा अपडेट करना है कि भाई मिनरल्स में कौन सा जो है हमारा जो प्लेस है राजस्थान का, तो वहां पर जो है हम रिपोर्ट को फॉलो करते हैं। ठीक है, ये सारी रिपोर्ट वगैरह सब आपको एकेडमी पर मिलेगी, तो आपको बिल्कुल हमारे साथ बने रहना है और जुड़े रहना। अगला क्वेश्चन देखो, मतलब जो ये बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया है, एनवायरमेंट इकोलॉजी वाला, यहां से क्वेश्चन राजस्थान से अच्छे खासे पूछे जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन यहां से रहते हैं। एज पर द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, द फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ वेजिटेशन कवर इज, ये इतना दे रखा है, तो आपको बताना है कि परसेंटेज ऑफ राजस्थान जियोग्राफिकल एरिया। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, देखो फॉरेस्ट कवर इन राजस्थान, ये उस फॉरेस्ट रिपोर्ट का डेटा है, वहां से उठाया गया है वो सोर्स। 70 पेज की रिपोर्ट है, पर वहां से काम काम की चीजें हैं 10 पेज में आपको मिल जाती है। ठीक है, तो यहां से ये क्वेश्चन जो है आपका ट्रेस हो जाएगा। तो फॉरेस्ट कवर इन राजस्थान, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे गए, फॉरेस्ट टाइप सबसे ज्यादा कौन सा है। जैसे अभी मैं इस क्लास को डिस्कस कर रहा हूं, तो हो सकता है कि 2024 में आपको यहां से 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से सोर्स ट्रेस किए गए, उसके आसपास में और भी इंफॉर्मेशन है। मतलब आपको ये जो PDF ये टेलीग्राम पर मिल जाएगी, डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी, और ऐप जो है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां भी मिल जाएगी। क्योंकि वहां पर ऐप पर हमने राजस्थान के जो है 10 सालों के जो पिछले सॉल्यूशन सहित प्रीलिम्स के पेपर और मेंस के पेपर सारे डाल रखे हैं, सेग्रीगेट कर रखे हैं। मतलब साइंस के कौन से हैं, पॉलिटी के कौन से हैं, हिस्ट्री के कौन से हैं, पूरी टीम ने मेहनत करके जो है उन पर रिसर्च करी है, तो आप वो जो है ज्वाइन कर सकते हैं ऐप। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन तो देखो कोई भी बता सकता है, इनमें से कौन सा जो है प्राकृतिक संसाधन गैर नवीनीकरण नॉन रिन्यूएबल सोर्स जो है कौन सा है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आप देखोगे तो ये राजस्थान के ऊर्जा संसाधन वाला टॉपिक है। यहाँ पर ये NCERT जो है राजस्थान के ऊर्जा संसाधन चैप्टर नंबर 5 यानी भाग 3 कक्षा 11, मतलब 9, 10, 11, 12 लोग इन पे ध्यान ही दे देते हैं और क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी ये है, ज्योग्राफी में 100%, मतलब मैं राजस्थान में पूरे सिलेबस की बात करूं ना, तो राजस्थान ज्योग्राफी ऐसा टॉपिक है जो आपको कभी धोखा नहीं देगा। 100% आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो और ज्यादा रिवीजन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बहुत इजीली और आसान है। अब मिथ ये आते हैं कि सर मैं आउटसाइडर हूं, कई मेरे सारे फ्रेंड जो है वो बहुत सारे एग्जाम देते हैं, ठीक है, और सिलेक्ट भी होते हैं, पर वो राजस्थान जो है जीके का फोबिया ज्यादा है, राजस्थान जीके का फोबिया बढ़ा दिया गया है, इतना है नहीं। ठीक है, क्योंकि आप अगर जज्बा बड़ा रखोगे, हम आई एम आउटसाइडर, हाउ टू कवर इतना सारा जीके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं हूं। राजस्थान जीके इज वेरी वास्ट, ऐसा कुछ नहीं है, 60 से 70 घंटे में ये सिलेबस हो सकता है आराम से, 60 से 65 जो है क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो, आप उन लोगों से बहुत आगे जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि राजस्थान वाले तो जो है राजस्थान जीके पढ़ने में लग जाते हैं, वो इंडिया जीके छोड़ देते हैं। आपका इंडिया जीके बहुत ज्यादा स्ट्रांग है पहले से ही, CSAT में आपका अच्छा है, तो आप ऑलरेडी जो है मैथ रीजनिंग के 20 क्वेश्चन तो वो आ जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो है आपका तो आउटसाइडर के लिए तो प्री आसान है, इतना घबराने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तीसरा है राजस्थान जीके बुक लिस्ट, क्या पढ़ूं, सारी बता रखी है। अगले जो वीडियो आएंगे, राजस्थान पॉलिटी का आ चुका है, राजस्थान हिस्ट्री को ट्रेस करूंगा, राजस्थान हिस्ट्री को ट्रेस करूंगा, तो आपको मजा आ जाएगा। सर ये क्या, ये तो क्वेश्चन यहीं से, अरे यहीं से आते हैं। ठीक है, कई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई जो है आपको इतना कंफ्यूज नहीं होना है, राजस्थान हिस्ट्री छोड़ दो सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ हो सकता, कोई दिक्कत नहीं भाई, राजस्थान ज्योग्राफी आसान है, राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान इकोनॉमी, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री को भी हम आसान बनाएंगे बहुत इजीली। अगर आप देखोगे राजस्थान एंशिएंट हिस्ट्री से पिछले साल के जो सोर्स ट्रेस की हमने, वहां से 3 क्वेश्चन तो वहीं से आ जाते हैं, मात्र 2 पेज और 3 क्वेश्चन, क्या चाहिए है? अरे राजवंश पढ़ने की जरूरत ही नहीं, जरूरी है क्या? लोग क्या गुइल वंश स्टार्ट करते हैं, 1 महीना तक माथा मारते हैं, कोई मतलब नहीं है, वो आपको याद भी नहीं होने वाला, लास्ट में 10 दिन में भी जब आप एग्जाम देने जाओगे लगेगा राजस्थान हिस्ट्री नहीं आती। हमने राजस्थान का इतना सारा पढ़ रखा है, फिर भी लगता है कि राजस्थान हिस्ट्री नहीं आती, बाकी चीजें स्ट्रांग है। ठीक है, तो वो ऐसा ही है, फोबिया है, और एग्जामिनर भी बेसिक से क्वेश्चन देता, कुछ नहीं पूछता, नृत्य पूछता है, ठीक है, गीत पूछ लेता है, या रीति रिवाज परंपरा से, या आभूषण, ये क्वेश्चन फिक्स है, इसमें कुछ साहित्य का हो गया, साहित्य से 3 टॉपिक 3 क्वेश्चन तो वहीं से आ जाते हैं। ठीक है, बहुत इजीली जो है आप कवर कर सकते हो, ये सारे मिथ दूर हो गए। अब सर मैं आउटसाइडर हूं, मुझे क्या करना चाहिए, तो आपके लिए सबसे बड़ा इनिशिएटिव डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी द्वारा थार सीरीज बिल्कुल फ्री है, ये RAS प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है, 11 अक्टूबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है,
शाम का समय रहता है 7 से 10। अगर आप देखेंगे 6 टीचर्स आपको ये सारी चीजें पढ़ाने वाले हैं, जिसके अंदर इंडियन पॉलिटी की बात करें अभिलाष सर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन हिस्ट्री प्रदीप सर लेने वाले हैं, इकोनॉमी जो है डॉक्टर अमित सर लेने वाले हैं, करंट अफेयर साइंस टैग सी डी तिवारी सर लेने वाले हैं, राजस्थान जी की जो है मैं गिरधारी सर, ठीक है, और मैथ्स और रीजनिंग वो हर्ष सर लेने वाले हैं। तो सारी जो है आपकी प्रॉब्लम वो सारी दूर हो गई है। अगर आपको लग रहा है कि सर मैं तो फ्रेशर हूं मुझे कुछ नहीं आता, आप जुड़ जाओ, आप हाथ पकड़ लो, उंगली पकड़ लो, ठीक है, आपका सिलेक्शन बहुत इजीली हो जाएगा। आगे मेंस की भी इंटरव्यू की भी सारी प्रिपरेशन जो है एकेडमी द्वारा कराई जाएगी। आप कॉन्टेक्ट नाउ कर सकते हैं, ठीक है, और भी अदर जो हमारे कोर्सेज है SCSK अर्जुना अभिमन्यु बैच, ठीक है, UPSC 40 और भी बहुत सारे जो है कोर्स जो है आप ऐप डाउनलोड करके देख सकते हैं। और ये जितनी भी मैंने आपको सोर्स ट्रेसिंग वाली PDF बताई है टेलीग्राम और ऐप पर आपको मिलेगी, क्योंकि ये बताना जरूरी होता है। कई बार स्टूडेंट बोलते हैं सर आप तो प्रचार करने आए हो, प्रचार नहीं, कई बार ऐसा होता है कि आपकी किस्मत जो है कभी कभी साथ दे देती है, बाई चांस आपने मेरा वीडियो देख लिया और कल्याण हो गया, वो भी क्योंकि बिल्कुल देखो आपको कितने सारे टेंशन दूर कर दी कि सर ये क्वेश्चन कहां से आया, कौन सा किस जगह से आया, सारे सोर्स स्ट्रेस कर लिए। इतना आसान नहीं है, बहुत टाइम लगा हमें भी, तो हमने आपके लिए जो मेहनत करी है वो मेहनत का आपको क्लास को शेयर करना है, मैक्सिमम शेयर करना है क्लास को और क्लास में जुड़ना है। थार सीरीज राजस्थान की एक स्पेशल जो है आपके लिए फ्री इनिशिएटिव स्टार्ट हो गया है, इसको आपको बिल्कुल शेयर भी करना है। तो आज की क्लास को हम एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।